देश में फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें देश भर के 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया गया है जिसमें सबसे ज्यादा 9 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के हैं। इनमें से एक है शिक्षा की राजधानी काशी के पते पर चलने वाली वाराणसी संस्कृत यूनिवर्सिटी जिसका कोई जमीनी अस्तित्व नहीं है। हर साल हजारों छात्र इस फर्जी विश्वविद्यालय का शिकार बनते हैं। दरअसल डॉक्टर संपूर्णानंद ने शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के नाम से 1791 में स्थापित किया गया था। उसके बाद इसका नाम वाराणसी संस्कृत यूनिवर्सिटी कर दिया गया। साल 1974 में विश्वविद्यालय में डॉक्टर संपूर्णानंद के योगदानों को देखते हुए उनकी स्मृति में इस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। वहीं इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर यदुनाथ प्रसाद दुबे ने बताया कि वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय को फर्जी विश्वविद्यालय की सूची में डाला है लेकिन इस फर्जी संस्था को चलाने वाले दिल्ली और कोलकाता के पते पर फॉर्म मंगाते हैं। साथ ही उन्होंने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय का कोई अस्तित्व नहीं है। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय चौका घाट वाराणसी नाम से जो संस्था चल रही है वह अवैधानिक है। वाराणसी और उत्तर प्रदेश में इस संस्था का कोई भी अस्तित्व नहीं है। दिल्ली और कुछ राज्यों में दिल्ली के पोस्टल पते से इसके संचालन की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में आशंका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को इसकी सूचना दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में चल रहे फर्जी यूनिवर्सिटियों का खुलासा यूजीसी ने किया है। यूजीसी ने बताया कि वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से चौका घाट से संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम पर प्रकाशन हो रहा है लेकिन यहाँ पर कोई इस तरह की यूनिवर्सिटी है ही नहीं। संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद है जिनके कुलपति का कहना है कि इस तरह की सूची उन्होंने फर्जीवाड़े का पहले ही केंद्र राज्य सरकार को दे दी थी लेकिन अभी भी उस फर्जीवाड़े का कोई भी खुलासा नहीं हुआ और आए दिन छात्र इस धोखेधड़ी का यूनिवर्सिटी के शिकार होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात तो ये होगी कि यूजीसी के खुलासे के बाद उस फर्जी यूनिवर्सिटी पे कितनी कार्रवाई होती है और कब। कैमरा पर्सन पालाद गुप्ता के साथ राजू श्रीवास्तव, समाचार प्लस।